बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने जेक्यूरी की क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है जेक्यूरी की, ऐसे जिसमें हम जेक्यूरी एनिमेट पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमेट क्या है? किसी चीज़ को, किसी चीज़ के अंदर एनिमेशन पैदा करना, यानी कि उसको मूवेबल बनाना, आपका जेक्यूरी एनिमेट कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ। मैंने एक फाइल जनरेट कर दी है और मैं इसको अपने एडिटर के अंदर ऑन कर लिया है, जो कि मेरा है सबलाइम टेक्स्ट। मैं बाकी की फाइल्स को जो है वो क्लोज कर देता हूँ। ऊपर आ जाते हैं। जेक्यूरी एनिमेट, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस फाइल के अंदर अपनी जेक्यूरी सोर्स करानी पड़ेगी। लाइब्रेरी मैंने सोर्स करा दी है। ये मैंने एक मेन फंक्शन बना दिया है अपने जेक्यूरी का। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डिव बना देता हूँ एंड देन एक बटन बना देता हूँ। डिव को थोड़ा सा डिजाइन भी कर लेते हैं। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हमारे पास इस पर्टिकुलर डिव का आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट 100 हो गई है, तो मैं पहले इसका पैडिंग भी हटा देता हूं एंड इसकी विड्थ में कर देता हूं तकरीबन 10%। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसकी विड्थ और ज़्यादा घटा देता हूँ, 5 कर देता हूँ। पैटिंग भी फ्री कर देते। ठीक है, ये मेरे पास एक ब्लॉक बन चुका है जिस पर मैंने अब थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, सबसे पहले क्लिक हो जब किस पर, हमारे बटन पर, क्या हो जाए जो मेरा पर्टिकुलर डिव है जिसको मैं अब एक आईडी असाइन कर देता हूँ। ब्लॉक के नाम से ये मेरा ब्लॉक यहाँ पर अब एनिमेट उसका होना चाहिए। ठीक है, जेक्यूरी के अंदर ये एनिमेट एक फंक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी एनिमेशन चला सकते हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स कुछ इस तरह से पास होते हैं विद कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट में जाकर के यहाँ पर हमारे पास गलती कौन सी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर गलती कोई भी नहीं हो रही, मगर हमारा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा जेक्यूरी चल रहा है बिल्कुल। जब मेरा बटन पे क्लिक होना चाहिए तो मेरा ब्लॉक जो है वो एनिमेट हो जाए।
मैं यहाँ से अलर्ट हटा देता हूँ। पर ये अगेन मेरा काम नहीं कर रहा। हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं अपने इंटरनेट से कि क्या वजह है कि हमारा जो एनिमेट है वो काम नहीं कर रहा। हम थोड़ा सा W3 स्कूल से देख लेते हैं। यहाँ पर एनिमेट नाम का फंक्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हम इसके अंदर चले जाते हैं। मैं नेट ऑन कर लूँ। ये हमारे पास ऑन हो चुका है और एग्जैक्टली ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मूव नहीं कर रहा क्योंकि इसके CSS के अंदर हमने इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, यानी कि मूवेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 100% काम करेगा। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी CSS में इसको मूवेबल नहीं कर रहे थे जिस वजह से मूव नहीं हो रहा था। ये बाई डिफॉल्ट फिक्स था। अब देखें, ये हमारा मूव हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ये हमने इसको दिया लेफ्ट है जबकि ये मूव हो रहा है राइट की तरफ, ये क्या वजह है? तो ये असल में ऐसा होता है कि ये लेफ्ट से कितना दूर जाना चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट से कितना दूर जाए, मैंने इसको दिया है 250 पिक्सल, तुम लेफ्ट से दूर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा लेफ्ट से 250 पिक्सल आगे मूव हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी कुछ यूज़ होती है। हम अभी ही वो कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं कि देखें इसके अंदर और क्या क्या यूज़ होता है। लेफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ हम सेट कर सकते हैं। हाइट में कर देता हूँ 10 पिक्सल। ये आपका कोटेशन के अंदर बंद होता है। और विड्थ इसकी मैं कितनी कर दूं, तकरीबन 5 पिक्सल। ठीक है, इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट यूज होता है, ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी मींस कि ये कितना ज्यादा खुलना चाहिए। ठीक है, यानी एक 0.5 में इसको असाइन कर देता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। यकीन काम नहीं कर रहा एग्जैक्टली। मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दी इस वजह से। ठीक है, देखें पहले उसकी कितनी थी, अब कैसे हो गया। ठीक है, विड्थ उसकी कम हो गई। पहले विड्थ तो उसकी बाय डिफॉल्ट ऊपर जो हमने दी हुई है वो कितनी है, 5% है। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, मगर इसकी ओपेसिटी ने काम नहीं किया। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, ओपेसिटी से इसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, डिम हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, पहले वो डार्क कलर था, अब इसका कलर क्या हो चुका है, थोड़ा सा लाइट हो चुका है, डिम हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसका बढ़ा दूँ थोड़ा सा 20 पिक्सल और ये कर देता हूँ मैं तकरीबन 20 पिक्सल, तो अब इसका देखिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देखें यानी कि आपका जो ब्लॉक था, जो एक डिव था, उसके अंदर क्लिक होने के बाद चेंजिंग आ रही है। इसकी विड्थ भी चेंज हो रही है, इसकी हाइट भी चेंज हो रही है, इसके अंदर एक ओपेसिटी यानी कि कलर इसका थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। एंड वैसे ही लेफ्ट की तरफ ये जो है हमारा मूव कर रहा है 250 पिक्सल तक। ठीक है, यहाँ तक हमने आज जो है वो jQuery का एनिमेट फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये क्लास में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।